दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों ये सिकुर लाइफ है, यहां पर कैसा भी व्यक्ति आए सभी की आवाज तेज हो जाती है। दोस्तों मेरी तो आवाज कुछ थी भी नहीं, लेकिन यहां पर वो टाइगरों को सुन सुनकर दोस्तों मैं भी टाइगर बन गया। मुझे नहीं पता था मैं भी टाइगर हूं। थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम महेश चंद और काम के बारे में बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस से पहले मैं एक सिलाई का काम किया करता था, छोटी सी दुकान। दुकान क्या बोला है आप बताओ, एक मशीन हो वो कोई दुकान हो सकती है क्या? अरे एक मशीन तो हर घर में होती है, होती है नहीं होती? उसी मशीन को लेके घूम रहा था दोस्तों एक जगह पे। दोस्तों सिलाई कर रहा था काफी समय से, जैसे परशुराम जी ने बताया दिक्कतें तो हम सभी के साथ हैं, मेरे साथ भी थी दोस्तों दिक्कतें। मैंने भी थोड़ी सी पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद मेरे घर में सिलाई का काम हुआ करता था दोस्तों, देख देख के मैं उसको सीख गया। और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो नौकरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर लोग तो हाई स्कूल इंटर हो चुके थे, इनकी दौड़ भाग करके फौज की नौकरी लग गई, किसी की पुलिस में लग गई, तो अपनी तो कहीं चपरासी लेवल के अभी हिसाब किताब नहीं था। लेकिन घर में जो काम होता था उसको सीख गया दोस्तों, और सीख गया तो मैंने उसी काम को किया, और उस काम को करते हुए सर काफी समय हो गया। आगरा में मैंने 16 साल इस सिलाई को किया है और उसी से गुजर बसर चला रहा था दोस्तों। मेरी भी तमन्ना थी, क्योंकि मेरे संघ के दोस्त थे जब मैं पढ़ता था तो वो अमीर बाप के बेटे थे, कोई कुछ था, मेरे भी उनको देख के सपने जगते थे, लेकिन घर पर आने के बाद मेरी स्थिति ऐसी थी कि सब सपने दबे रह गए। और जब अपने काम को करता था तो उसमें भी इतना ही पैसा आता था कि शाम तक दाल रोटी चलना ही मुश्किल था। सिलाई को करते करते बहुत समय गुजर गया, सबकी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आप आई दोस्तों, मेरी भी जिंदगी में आई, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोग एक बार के कहने से प्लान देख लेते हैं, कोई दो बार के कहने से। मेरे पास कम से कम दसियों बार उस बंदे ने इन्वाइट किया, लगातार 3 महीने तक इन्वाइट किया, लेकिन एक बार क्या लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, क्योंकि बिजली से ही काम होता है, प्रेस व्रेस लगानी होती है, और उस समय लाइट नहीं थी। तो उस समय मैंने सोच लिया, मैंने चलो यहां टाइम न देके वहां टाइम देख लेते हैं, और ये बंदा बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ है, मैं चलो जाके देखते हैं। और दोस्तों जब मैंने बिजनेस को देखा तो वह लाखों की बात बताई जा रही थी, मगर मेरे समझ में नहीं आ रही थी। पर मैंने सोचा, मैंने कि जब पूरा समय यहां दिया है तो क्यों ना चेक कर लिया जाए। दोस्तों मैंने एक बंदे से पूछा, आपने यहां लाखों रुपए की बात बोली है, क्या आपके पास वास्तव में है, सबूत दिखा सकते हो? तो दोस्तों उन्होंने अपनी पासबुक दिखाई, एक व्यक्ति ने विदेश के बारे में बोला था तो उन्होंने अपने पासपोर्ट दिखाया, और जिस व्यक्ति ने अपने कार के बारे में बोला था अपने कार की चाबी दिखाई। ये दोस्तों तीनों चीज मुझे दिखाई। अब देखने के बाद तो विश्वास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? दोस्तों मैंने विश्वास किया, अब विश्वास करके मैंने इसमें ज्वाइन करके इसमें काम किया, ये तीनों चीज मेरे पास भी आ गई दोस्तों। थैंक यू। लेकिन जब मैं प्लान देखकर घर आया था दोस्तों, प्लान देकर जब घर आया वो 7-8 हजार वाली बात होती है, मेरे पास इंतजाम नहीं था, मेरे दिमाग से दूसरे तीसरे दिन ये बिजनेस निकल गया, क्योंकि पैसे की व्यवस्था थी नहीं घर में। लेकिन इस बिजनेस में बताया जाता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से अपलाइन घर पे फॉलोअप करने जाती हैं, मेरा भी फॉलोअप हुआ। मेरा फॉलोअप हुआ तो बताया कि बिजनेस बहुत बढ़िया है महेश चंद जी, आप करोगे तो आपकी सिलाई छूट जाएगी, जीवन बदल जाएगा, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैंने कि वो सब बात सही है, मैं मेहनत में कमी कोई नहीं करूंगा, फार्म तो मेरा भर ही गया है, और जो पैसे की बात है वो आप लगा दो। ये आप लोगों के साथ होता होगा दोस्तों, ये मैंने भी बोला कि पैसे आप लगा दो। अपलाइन ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया, महेश चंद जी ऐसा है, अगर मां बनना है तो दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा, बात सही है या नहीं? बोले दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा, मगर हम उसको क्या है थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, वो भी किस, मैं सोचा थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कि चलो ठीक है बताओ, थोड़ी हेल्प कर दो।
बोला हेल्प हम केवल आपको समझा सकते हैं। फिर मैंने कहा अरे फिर क्या की हेल्प है। लेकिन फिर भी वो हेल्प मेरे काम आई। बोले मैचंद जी ये बात बताओ आप जो सिलाई को कब से कर रहे हो। मैं सर मुझे 16 साल हो गई इस सिलाई को करते हुए। बोले इससे पहले पिताजी क्या करते थे सिलाई, वो बाबा क्या करते थे सिलाई, तो आप बताओ उनको कितना समय हो गया सिलाई करते हुए ये पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि आपको 16 साल हो गई। बोले हाँ, तो आप बताओ 16 साल में 8000 रुपए नहीं है, साल के 5000 के हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से भी आप बताओ क्या गारंटी आने वाले समय में आपके पास पैसा होगा। यानी बात तो सही है। तो आप बताओ जो आपके बड़े बड़े बच्चे हैं आने वाले 4-4 साल बाद इनकी ब्याह शादी करोगे उस समय लाखों रुपया कहां से लाएगा। जो बात सही है। तो फिर मेरे दिमाग आवाज निकली, मैंने कि ऐसा है आप जैसे भाइयों से ले लेंगे। बोले उस समय उधार लोगे कि नहीं लोगे। मैंने कि हाँ लेंगे। तो बोले उस समय उधार लोगे उस समय का इंतजार कर रहे हो, क्यों ना आज ही ले लो 7-8 हजार रुपए उधार और लेके बिजनेस शुरू करो और 3-4 साल में सबकी जिंदगी बदली है दोस्तों। और मैंने पैसा लेने के लिए निकल गया, मेरे समझ में आ गई बात। इस बिजनेस से पहले दोस्तों जब भी मुझे जरूरत पड़ी मैंने केवल ब्याज पे ही पैसा लेके अपना काम चलाया। बिना ब्याज के तो आज तक कभी मिले ही नहीं। 5 रुपए सैकड़े पैसे मिलते थे तो मेरे दिमाग में आई मैं चलो वहां जाकर पैसा ले लेते हैं। मुझे उम्मीद थी पैसा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों वहां गए तो मना ही कर दी। बोले अभी पैसे है नहीं, तुम ऐसे टाइम पे आए यार, तुम तो कभी भी चले जाते हो। फिर दूसरे व्यक्ति के पास गया, तीसरे व्यक्ति के पास गया, चौथे व्यक्ति के पास गया, तो वो भी व्यक्ति बोला सर पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब मेरे दिमाग में शुगर लैब की बात जो फॉलोअप बहुत ढंग से कर दिया था तो बात दिमाग में घुस गई। मैंने कि बताओ ऊपर वाला आज ऐसे मौके पे पैसे की व्यवस्था नहीं करा रहा। फिर वो व्यक्ति बोला कोई खास काम है क्या। मैंने कि बहुत खास काम है। बोले चलो ठीक है तुम यहीं बैठो और मैं अभी तुम्हारी व्यवस्था करवाता हूँ। और दूसरी जगह कहीं गए होंगे तो वहां उनको 5% पैसा मिल गया। और बोलते हैं आके बोले मैचंद जी पैसा तो मिल गया है लेकिन वो यार 10% में मिला है। मैं कह रहा यार ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने घोड़ा भाग लगाया क्योंकि हमारे प्लान में बताया जाता है कि कोई बंदा अगर सफल होना चाहता तो 1% काम कर सकता है या नहीं। तो मेरे दिमाग में जितना विश्वास था कि सिलाई करते हुए कितना भी टाइम थोड़ा थोड़ा दूंगा तो 1% काम जरूर करूंगा, तो 40,000 रुपए तो आ ही जाएंगे। और 10,000 रुपए जो ब्याज पे ले रहा हूं तो 1,000 रुपए महीने तो ब्याज बनेगी, साल के 12,000 ब्याज के बनेंगे, 10,000 मूल, 22,000 रुपए देंगे फिर भी 18,000 बचेंगे। थैंक यू। तो मैंने हिसाब लगाया भी 18,000 तो फिर भी बच रहे हैं और आने वाले समय में अगली साल में 16 लाख तो अमीर तो बन ही जाएंगे। मैंने कि दे दो आप जी। मैंने मनी मन में अपना हिसाब लगाया था, उसके सामने नहीं बोला और पैसा मिल गया दोस्तों। लेकिन जैसे ही पैसा मिला और मैं लेके आ गया प्लान के पास, मैं जेलो बोले चलो मैं कहा। तो दोस्तों हम बैंक में गए, DDBT बनवाई, भिजवा दिया। भिजवाने के बाद दोस्तों इसमें काम शुरू करा। जो सबके साथ जो दिक्कत आती है दो वाली मेरे साथ भी आई। ये बिजनेस बहुत आसान है और नहीं समझो तो सबसे कठिन है बात यार, सही बात है या नहीं। दोस्तों मैं दो लोगों के पास गया, सब लोग क्या बोलते हैं बेकार है बेकार है। सिस्टम में जाता था टाई वाई बांध के, पहले कभी जीवन में टाई नहीं बांधी, लेकिन जब टाई वाई बांध के जाते थे उस समय ग्राहक आता था दुकान पे, बोले यार मास्टर साहब तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं कहता तुम भाई बाद में आ जाना, 1 घंटे बाद आ जाना। तो घर वाले भी कहते थे जैसे तैसे ग्राहक आया जे जाना पता नहीं पागल हो गए जाना टाई बांध गए कहाँ निकलते, कुछ मिल रहा नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खामा खा पागल हो गए, इस तरह से बोलते रहते थे दोस्तों। तो मैं काफी लोगों से बोलता था, मना करते रहते थे, कोई भी आदमी ज्वाइन ही नहीं कर रहा, ग्राहकों को इन्वाइट कर रहा हूं वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन सिस्टम में बताया जाता था ट्रेनिंग में किताब पढ़ो, तो किताब में मैंने पढ़ा था। वैसे बहुत मैं मायूस भी हो गया था, काफी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे क्योंकि इधर महीना भी होने वाला था उसका ब्याज का, तो उसकी ज्यादा टेंशन हो रही थी ब्याज दूं और इधर चेक भी नहीं आ रहे और टाइम स्कूल लाइफ में जा रहा है, काम भी कम हो रहा है, तो जो दिक्कतें आ रही थी मुझको। तो मैंने एक किताब में बात पढ़ी थी कि एक व्यक्ति का एक घोड़ा था जो उससे काम लिया करता था, वजन ढोया ढाई करता था। तो वो क्या हुआ कि एक दिन क्या है किसी जंगल में अपने घोड़े को चराने के लिए निकल गया, और चराने के लिए निकल गया
तो घोड़ा चढ़ते चढ़ते क्या थोड़ी दूर निकल गया था, और वहां पर एक बहुत पुराना कुआं था। वो बंदा देख रहा था ये घोड़ा मेरा आगे ज्यादा ना निकल जाए, कहीं कुएं में ना गिर जाए, ऐसा वो सोच ही रहा था। लेकिन जानवर है वो, तो चढ़ते चढ़ते आगे निकल गया, और क्या हुआ कि वो कुएं में गिर गया। कुआं सूखा हुआ था, काफी पुराना था, कुएं में गिर गया। और जैसे ही उस बंदे ने देखा, नजर मारी कि मेरा घोड़ा अभी तो यहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कुएं में गिर गया। और जैसे ही वो बंदा वहां दौड़ के आया और उसने कुएं में झांका, तो कुएं में तो काफी अंधेरा था क्योंकि काफी गहरा था, तो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसमें घोड़े की चिल्लाने की हैंची हैंची की आवाज आ रही थी, और बोला यार ये तो घोड़ा इसी में गिर गया, और इतने ऊंचे से गिरा है, ये घोड़ा तो जो है पैर आठ टूट गए होंगे, मरने के कगार पर होगा। और बड़ी जोर जोर से घोड़ा चिल्ला रहा था, बोला यार अब क्या करूं, इसको निकलवाऊं, लोगों को बुला के इसे निकलवाता हूं, अकेले तो बस की बात नहीं है, इसको निकलवाता हूं क्या इस तरीके से। तो इसने सोचा यार मैं लोगों को बुलाऊंगा, लोग निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे तो इसके सब हाथ पैर तो टूट ही चुके होंगे, तो इसकी मल्लम पट्टी करानी पड़ेगी। और फिर भी मल्लम पट्टी होने के बाद ये सही तो हो सकता है, लेकिन ये दौड़ने के लायक और काम करने के लायक तो नहीं रह सकता ना। उसके दिमाग में बात जवाली बात आई, तो ना सोचा ऐसा करते हैं, इसने घोड़े ने मेरे साथ कम से कम दसियों साल रहा है, मेरा इसका साथ रहा है, तो मैं इसको ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसा करते हैं इसकी यहीं पर समाधि बना देते हैं, और यहां पर क्या है हमारी याददाश्त बनी रहेगी, और वैसे अगर मर जाएगा तो चील कौए खाते हैं, लेकिन इसको हम इसी में दबा देते हैं। और इधर घोड़ा क्या सोच रहा था कि मालिक मेरा आ गया है, क्योंकि अंधेरे में से उजाले में जब देख रहा था तो मालिक मेरा आ गया है, अब ये मुझे बचा लेगा। तो उसको थोड़ी सी तसल्ली महसूस हुई कि मेरा मालिक मुझे बचा लेगा। और लेकिन मालिक के दिमाग में उल्टी बात चल रही थी, वो सोच रहा था कि अगर मैं निकालूंगा तो सही तो वैसे ही नहीं होगा, क्यों ना इसमें मिट्टी या डली है इसी को डाल के इसमें इसकी समाधि बना देते हैं। तो उसने वही फावड़े की व्यवस्था की, लोगों की व्यवस्था नहीं की, फावड़े की व्यवस्था की, और व्यवस्था करके जैसे ही वहां से मिट्टी डालना स्टार्ट किया, और घोड़ा सोच रहा था मालिक मुझे निकालेगा, और उसने जैसे मिट्टी डालना स्टार्ट किया, तो जैसी मिट्टी डाली उसने तो सोचा ये तो मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। तो घोड़ा जितना चिल्ला रहा था उससे और डबल स्पीड में चिल्लाया, अरे मैं तो जिंदा हूं भाई, मुझे क्यों दबा रहे हो। लेकिन वो मालिक तो मिट्टी डालता रहा उस पर, और डाल दे तो घोड़ा का क्या करता था, उसको तो जान बचानी थी किसी तरीके से। तो जैसे ही वो मिट्टी डालता था तो वो हिल के क्या हुआ, मिट्टी को नीचे गिरा देता था। फिर मालिक मिट्टी डालता था, फिर वो हिल के मिट्टी नीचे गिरा देता, ऐसी लगातार ऊपर से मिट्टी आती रही, और घोड़ा हिल हिल के मिट्टी के ऊपर आता रहा। और दोस्तों लगातार इस तरह से होता रहा, लगातार ऐसा होता रहा, और मिट्टी डाल डाल के उसने इतनी मिट्टी डाली कि पूरा कुआं भर गया, और मिट्टी के ऊपर आके वो घोड़ा भी ऊपर आ गया, और बिल्कुल सही भी हो गया दोस्तों। थैंक यू। वो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई दोस्तों, क्योंकि लोगों से बोलता था लोग मना कर देते थे, पता नहीं मेरी पोजीशन को देख के या मैं समझा नहीं पाता था इस बात को, लोग देख के मना करते थे। लेकिन किताब में मैंने पढ़ा था कि आपके ऊपर एक तरह से जो मना करता ना वो मिट्टी डाल रहा है ना, वो वजन सा डाल जाता। हमने क्या करना है, उसके नाक को झड़ा देना है और उस पर खड़े हो जाना है। और इस तरह से मैं भी खड़ा होता चला गया, खड़ा होता चला गया, खड़ा होता चला गया दोस्तों, और इसी बिजनेस के माध्यम से डायमंड नहीं अब डबल डायमंड बनने वाला हूं दोस्तों। थैंक यू। इस बिजनेस से दोस्तों मुझे बहुत कुछ मिला है, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तो इस बिजनेस में 2-4 हजार रुपए के लिए आया था, 3-4 हजार रुपए कैसे भी कम जाए अपनी सेटिंग हो जाएगी। लेकिन बिजनेस से दोस्तों लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है। जिस इलाके में रहता हूं, पहले तो सबसे खराब कोई घर था तो मेरा ही था, लेकिन आज उस इलाके में सबसे कोई घर अच्छा है तो अपना ही है दोस्तों। थैंक यू। ज्यादा दोस्तों मुझे कुछ आता नहीं है इस बिजनेस में, बस सर लोग बताते हैं उसी तरीके से करते चला जाते हैं। और कहता अगर मान लो अभी जब जानते नहीं है, जब इतना कुछ हो गया और अभी सीख जाएंगे तो क्या होगा। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस से बस लगातार लगे रहना, अपलाइन की बात मानते रहना, और जो लगातार अपलाइन
आगे बढ़ रही है उसकी बात। अपलाइन यानी दो तरह की होती है, थोड़ा पहचानने की कोशिश करना, जो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है बस उसी का हाथ पकड़े रहना, प्रोग्रेस कर रहा है उसी का हाथ पकड़े रहना दोस्तों, ठीक है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी सीखने आया हूं, मुझे नहीं पता था मुझे भी स्टेज पे माइक मिलेगा, मैं तो फंक्शन देखने आया था और ज्यादा कुछ जानता नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गोल्ड डायमंड।